आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, सेव। इंदौरियों के लिए सेव टॉपिक। जैसे पान, गुटखा, बीड़ी सब बंद हो रही है इंदौर में, ऐसे अगर सेव बंद हो जाती है तो क्या होगा? सेव बैन हो जाती है जैसे पान, गुटखा, सिगरेट बैन हो रहे हैं, इंदौर में अगर सेव बैन हो जाती है तो क्या होगा? इसके लिए भूख हड़ताल चालू हो जाएगी, 12 बज जाएगी यार लोगों की, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट सब बंद हो जाएंगे। 90% इंदौर सेव के ऊपर जीता। सेव तो ऐसी चीज है कि मतलब इंदौरी वालों के लिए क्या कहना चाहिए, अमृत है। मुँह में लगी हुई है वो चीज मिल नहीं रही अपन को। अच्छा है तो उसके पीछे आदमी तड़पेगा सही। अगर इंदौर में रहना है तो भैया सेव तो जरूरी है। सेव सही तो चल रहे हैं इंदौर। लेडीज भी आती, महिला भी आती, मैडम भी आती घर की, बोले आप क्या बनो शाम को, बोले तो उनकी यही प्रॉब्लम है, बोले सेव की सब्जी बना लो यार। अपन सेव खाए बिना रह नहीं सकते। तम्बाकू के साथ सुपारी जरूरी है, वैसे पोहे के साथ तो सेव जरूरी ही है। तो आप अगर बंद हो गई तो सेव कहीं से भी लाके खाओगे क्या? बंद हो गई तो कहाँ से लाके खाएंगे? रतलाम से। इंदौर में सेव बंद हो गई तो जबलपुर से ले लेंगे। इंदौर में लोगों को खाना हजम नहीं होगा, मतलब क्या है कि खाने में भी सेव चाहिए, पोहे में भी सेव चाहिए, खाना खा नहीं पाएंगे वो सेव के बिना। अरे तबाही मच जाएगी यार फिर तो। इंदौर में अगर सेव बंद हो जाएगी तो लोगों ने ना रोटी खाना बंद कर देंगे आधा तो देखा जाए, क्योंकि सेव मिलना बहुत जरूरी है। सेव इंदौरी सेव सबसे ज्यादा फेमस हर जगह है, हर जगह इंदौर की सेव फेमस है, और अपने शरीर की इंदौर शरीर की सेव कहीं भी नहीं मिलेगी, ऑल इंडिया पर मिनट में कहीं भी नहीं। भैया मजा ही नहीं आएगा, खाने का स्वाद ही खत्म हो जाएगा, सेव बंद हो जाएगी। कब से खा रहे सेव? सेव बस जब से खाना सीखे, जब से सेव खाना सीख गए और क्या। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, इतने बेरोजगार हो जाएंगे। तो अच्छी चीज है ना सेव खाना, कोई बुरी बात नहीं। दारू के साथ जितने की दारू नहीं पीता हूँ उतने सेव वाले रहता है। तो एक्सपोर्ट कराएंगे हम, डिमांड करेंगे हमको सेव चाहिए भैया। अगर बंद हो गई तो यार हम तो धरना कर देंगे यार भैया। समोसे की दुकान है तो आपके लिए सेव क्या महत्व रखती है? बहुत ज्यादा यार, मतलब एक तरीके से पेट मान लेंगे बराबर ही। सेव फ्रीज हो जाएगा एकदम, 33 लाख लोग तो पक्का मर जाएंगे 40 लाख में। मैं तो बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपको बारीक सेव किससे बोलेंगे भैया? लगाना आपको बारीक से, भैया सेव डालना थोड़ी यार मोटी यार। इंदौर बंद हो जाएगा, सेव बंद हो जाएगा क्या करेंगे, मर जाएंगे नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी उनके। अरे मर जाएंगे इंदौर वाले यार, सेव बहन होगी यार। सेव अगर बंद हो गई तो ग्राहक भी बंद हो जाएंगे ना। पोहे की सेव जान है, इंदौर सेव पे ही चलता है। पोहे में सेव, रोटी के साथ सेव, खाने में सेव, खान भंजन में सेव, सब में सेव ही सेव है इंदौर। मर जाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो सेव पर मलगा के टाइम पास करते हैं। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। बंद क्यों होगी? आई थिंक तो बंद ही होना चाहिए। नहीं होगी सर, हम भी यही चाह रहे हैं कि नहीं हो। कैमरे में देख के बोल दीजिए नहीं हो पाएगा भैया। क्यों बोल दीजिए एक बार, नहीं हो पाएगा भैया, सेव बंद नहीं हो पाएगी भैया। बाल बाल सारा खाना तो सेव की बल्कि खाते हैं, बिना कुछ खा ही नहीं पाते। नहीं खा पाओगे? अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगेगा भैया? नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक बार बोल दीजिए नहीं हो पाएगा भैया। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हां नहीं हो पाएगा भैया। एक बार कैमरे में देख के बोल दीजिए नहीं हो पाएगा भैया। नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा भाई साहब, नहीं होगा भैया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, है नामुमकिन है सेव बंद होना। सेव तो यार इंदौर से जुड़ी हुई है यार, इंदौर का इंसान सेव बिना रह नहीं सकता, खाने के साथ सेव, पोहे में सेव, हर चीज में सेव चलती है। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई साहब, मरने वाले पक्का। नहीं हो पाएगा भैया, बंद सेव बंद कभी नहीं होगा भारत के अंदर। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, सेव भी खाने पड़ेंगे, समोसे भी खाने पड़ेंगे, पोहे भी खाना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा भैया।